चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने सोमवार को अंततः इस्तीफा दे दिया। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनके सारे विभागों की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद राजभवन भी पहुंच गया है, जहां इससे संबंधित सूचना कैबिनेट विभाग को दे दी गई है। इधर नए मंत्री के नाम पर कांग्रेस की ओर से बुधवार 12 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के साथ ही चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि चर्चा के बाद ही नए मंत्री के नाम पर कोई निर्णय हो सकेगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नए मंत्रियों की रेस में जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, महगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह सहित कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। इसके लिए लॉबिंग भी जोर शोर से जारी है। किसी वरीय विधायक को ही आलमगीर आलम के इस्तीफे से रिक्त पद पर मौका दिए जाने की पूरी संभावना है। उल्लेखनीय है कि आलमगीर आलम को ईडी ने कुछ दिन पूर्व निविदा कार्य आवंटन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके सचिव संजीव कुमार लाल के ठिकाने से ईडी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की थी। आलमगीर आलम अभी फिलहाल जेल में है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।